हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इनको छत से लेके आई। अथर को लेके जाना पड़ा मुझे, क्योंकि अथर के पापा जी बाहर गए हुए थे, तो मुझे उसको लेके दो राउंड में मैं कपड़े उतार के लेके आई हूँ, क्योंकि वो गोदी था। तो उस वजह से मुझे जितने कपड़े एक बार में आए उतने एक बार लाए, फिर आधे मैं दूसरी बार में लाई। तो अभी इनको फोल्ड कर करके रखना है। अभी मैंने उसको नीचे छोड़ रखा, वो खेल रहा है, तो यहाँ फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। और कपड़ों का क्या होता है, कभी कभी तो डेली ही वॉश करने पड़ जाते हैं, और कभी कभी दो दिन में लगाती हूँ मशीन। तो आजकल मैं दो तीन दिनों से ना बेड शीट्स वगैरह कर्टन्स वगैरह वॉश किए थे, तो काफ़ी हो जाते हैं, कपड़े डेली ही धुलने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े लगाए हुए हैं, बेड शीट्स वगैरह धुली थी, तो ये सबको ही फोल्ड करके रखना है। तो अभी फटाफट से मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, अभी उठा उठा के मैं इनको अलमीरा में रख दूँगी जाके। तो यहाँ पे ये वाले कपड़े मुझे उस वाले रूम में रखने हैं अलमीरा में, और ये अथर के कपड़े मैं इधर ही रखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने रख दिए। और ये बेड शीट काफ़ी ख़राब हो गई, इधर का बिस्तर पूरा ख़राब हो रखा है। और यहाँ पे अथर नीचे से ट्राईपोड पकड़ के खींच लिया, तो इस वजह से ये मुझे इधर भाग के आना पड़ा। तो यहाँ बेड शीट भी मेरी सही हो गई है, और इधर पर्दे को मैं अभी सही कर देती हूँ, एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि शाम के समय इधर बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, तो यहाँ बैठना थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी देर टीवी देखूँगी, और अभी थोड़ा सा थक गई हूँ मैं, बर्तन वगैरह भी धुल के आई, तो आराम से मैं पानी पीने लग गई। और हेलो, तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर। तो यहाँ पे मैंने दाल और चावल को एक साथ ही बनाया। कैसे? इस टिफिन में मैंने राइस बनाए हुए हैं, अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। और मुझे थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि हम हो रहे हैं लेट। मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, तो मैं वो कर रही थी, तो इस चक्कर में हो गए हैं लेट। बजने वाले हैं 11, 11:15 हो गया है। तो यहाँ पे एक रोटी बन रही है, मात्र एक, वो भी मोटी रोटी। तो इसको मैं पका लेती हूँ। तो एक में ही हम दोनों को हो जाएगा, हाफ हाफ ले लेंगे। और राइस भी है और दाल है। और दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी, तो वो भी रखी हुई है। तो ये हमारा हो जाएगा डिनर। हो गए हैं काफ़ी लेट, क्योंकि काम होता है, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी काम हो जाता है और वीडियो के साथ में। तो पर कोई नहीं, काम काम ही तो करना है, और क्या करना है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं फटाफट से अपना डिनर बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये खोल के देखते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, पहले कभी नहीं बनाया ऐसे। मैंने सुना है मम्मी लोग बनाते थे, इसमें सारी दाल लगी हुई है, इसको खोलती हूँ ना। तो यहाँ पे दाल और चावल को मैंने एक साथ ही बनाया, और दोनों अच्छे से पक भी गए हैं। राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से टिफ़िन से थोड़ा सा बाहर निकल आया है, लेकिन ये पक चुका है अच्छे से। तो अभी हमारा डिनर बिल्कुल रेडी है, और अभी हम करने जा रहे हैं डिनर। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।